बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, बट टुडे इंशाल्लाह ताला वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ पेंसिल कलर्स। स्टूडेंट्स, पहले हम आपको सबसे पहले इन कलर्स के बारे में तारुफ करवाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिलुपा कंपनी के गोल्डफिश के 12 कलर्स हैं, जबकि सेकंड हमारे पास ये जो कलर्स हैं ये 24 कलर्स हैं डियर कंपनी के। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से जो आपको इजीली आसानी के साथ अपने करीबी बुक सेंटर से मिल जाएं वो आपने परचेज़ कर लेने हैं। तो इनमें ये है कि 12 कलर्स में जो हमारे पास मेन कलर्स यूज़ होते हैं, इसमें रेड, येलो, ब्लू, वॉयलेट, ऑरेंज, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, ये बेसिक कलर्स जो हमारे पास हैं वो इसमें सारे अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें कि 12 कलर्स का जो सेट है यही परचेज़ कर लें। उसके अलावा स्टूडेंट्स, क्लास प्रेप 6 में जो चीज़ें हमें दरकार होंगी उनमें एक अदद हमें लेड पेंसिल HB, ये हमें चाहिए होगी HB पेंसिल, और सेकंड हमें एक अदद इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, इरेज़र हमें चाहिए होगा, एक अदद हमें शार्पनर चाहिए होगा, और सेकंड हमें एक स्मॉल साइज़ का स्केल चाहिए होगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इंशाल्लाह ताला क्या होगा कि हम अपना काम इजीली कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इकरा कलरिंग एंड ड्राइंग बुक क्लास प्रेप 6 है, इसका हम आज आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ड्राइंग बुक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। कंटेंट में चैप्टर नंबर 1 कलरिंग, चैप्टर नंबर 2 शेडिंग, चैप्टर नंबर 3 लाइन कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट द पिक्चर। स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के लिए सर्कल्स बने हुए हैं। तो इन सर्कल्स में यूज़ ऑफ पेंसिल कलर हमने, यानी पेंसिल कलर्स का यूज़ करना है, जबकि पेज नंबर 4 पर भी 3 सर्कल्स बने हुए हैं, इन पर भी हमने वायलेट, ऑरेंज और ग्रीन, इन तीनों कलर्स को हमने यहाँ पे फिल करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने जो है आज के इस कलरिंग का आगाज़ करते हैं। तो इसके लिए हम जो पहला जो हमारा कलर है रेड, वो हम लेते हैं। तो इससे हम अपना कलर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएं, कोशिश करें इनको आपने जहन में बिठा लीजिएगा, और ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये फर्स्ट सर्कल हमारे पास जो नज़र आ रहा है, इसमें हमने ये रेड कलर लिया, और रेड कलर से अब हम अपनी कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, कलरिंग जो है पेंसिल पकड़ते वक्त आप पेंसिल को अपने दाएं हाथ यानी बाएं हाथ दोनों में से, चाहे आप लेफ्ट हैंडर हैं राइट हैंडर हैं, पेंसिल को आप पकड़ लें ईजीली। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। जैसे आपका दिल चाहे, आपको जिस तरह भी कलर करने में आसानी हो उस तरह आप पेंसिल को पकड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कलर्स हमने आउटलाइन के करीब से स्टार्ट करना है। तो आउटलाइन के करीब करने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपका कलर जो है वो आउटलाइन से बाहर नहीं जाएगा, कलर आपका आउटलाइन से बाहर नहीं जाएगा, और उसके बाद आप इसके इनर पार्ट में जो है वो कलर्स करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखें इसके इनर पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना लाइट कलर्स कर रहे हैं। तो पेंसिल शुरू में जो है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट कलरिंग का पार्ट है, तो इसमें आपने पेंसिल को बड़े आराम के साथ आहिस्ता से इसको चलाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो लाइनें हैं ये कलर करते वक्त एक दूसरे के साथ मिली हुई हों, और जो है इनके दरमियान फासला ना हो। तो
फासला कम होगा, शेडिंग अच्छी, इसमें कलरिंग अच्छी होगी और आपकी लाइनें ये साथ साथ मिली होंगी, तो एक अच्छा शेड बनेगा, कलर अच्छा नज़र आएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि शुरू से ही डार्क कलर कर देना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लाइट कलर से अपना वो स्टार्ट लें। तो लाइट कलर्स करें, लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, उसके बाद फिर डे बाय डे आप जो देखेंगे कि आपके काम में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो स्टूडेंट जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपना काम बिल्कुल दिलजमी तवज्जो और ध्यान के साथ कीजिएगा। और जब भी आप ड्राइंग करना चाहें तो कलरिंग में आपने अपने जो है हैंड्स का खास ख्याल करना है कि आपके हाथ जो है वो नीट एंड क्लीन हो। अगर आपके हाथ साफ़ होंगे तो आपका ये जो पेज है ये भी जो है वो मैला नहीं होगा और आपका वर्क खूबसूरत रहेगा। तो इसमें ये होगा कि जो हमारे यहाँ जो प्रेप सिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स की तो ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी, तो वो तो क्या करेंगे डायरेक्ट ही बुक पर अपने जो हैं वो कलर स्टार्ट कर देंगे। जबकि जो दूसरे स्टूडेंट होंगे जिनको कलर्स करने में पहले से यानी उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो अलग से अपना एक जो है वो रफ़ शीट ले लेंगे, उस पर आपने क्या करना है इन सर्कल्स को आपने ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इनमें अपनी प्रैक्टिस करें। जब आपकी मश्क अच्छी हो जाए उसके बाद आप अपना कलर इसमें करें। तो मैं आपको शीट्स दिखाता हूँ, इन शीट्स से आप इजीली समझ जाएंगे। जैसा कि यहाँ बेटा देख रहे हैं, ये दो शीट्स आपके लिए बनाई हैं, इनमें कलर्स के नेम लिखे हुए हैं, सेकेंडरी कलर और ये सर्कल्स ड्रॉ हैं। इस तरह आप किसी भी पेज को लें, शीट्स को लें और उनके ऊपर आप ये सर्कल्स ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद आप उनमें कलर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी कलर्स में फर्स्ट में आपके लिए हमने रेड कलर किया हुआ है, इससे आप इजीली देख लेंगे कि कैसे आप इसमें कलर करेंगे। तो ये रफ़ शीट्स हैं, इनमें आप प्रैक्टिस करके बाद में अपना काम जो है वो नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ही इस पर आना चाह रहे हैं, अपना काम इसी पे करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक आपके लिए आसानी है, जैसे आपका दिल चाहे आप कर लें। तो स्टूडेंट्स जब आपका ये कलर हो जाए तो बाद में आपने देखना होता है कि इसमें कोई दरमियान में कोई वाइटनेस वगैरह तो नहीं रहेगी कोई, तो कलर आपका बिल्कुल अभी ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम जो कलर है वो येलो करेंगे, येलो के बाद ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम पेज नंबर 4 पर जाएंगे। तो मज़ीद अब हम आपको ये दोनों कलर्स करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा नोट कीजिएगा, स्टूडेंट ये हमारा येलो कलर अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम ब्लू कलर की तरफ आते हैं। बेटा जी ये हमारा जो है ना ब्लू कलर अब कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे प्राइमरी कलर्स में रेड येलो ब्लू तीनों कलर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट कलर की तरफ चलते हैं। बेटा जी पहले हम अपनी इसकी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जी हमारा वायलेट कलर कंप्लीट हो चुका है, अब हम ऑरेंज कलर की तरफ आते हैं। जी बेटा ये देख रहे हैं हमारा ये ऑरेंज कलर जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम ग्रीन कलर की तरफ आते हैं। जी बेटा ग्रीन कलर हम अपना स्टार्ट करते हैं, इसकी आउटलाइन पहले करेंगे और फिर उसके बाद अंदर कलर करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब हमारा ग्रीन वायलेट ऑरेंज ये कलर भी कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट पेज भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपनी डेट वगैरह मेंशन कर लीजिएगा पेज नंबर 3 पर और 4 पर। तो अपना होमवर्क आपने ये जो है अब इसी तरह नीट एंड क्लीन करके करना है। तो जबकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इकरा हुफाज स्कूल नेम इसमें कलर करेंगे और पे जो है नेक्स्ट हमारा जो स्केल डिज़ाइन है उसमें हम कलर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।